आशिकान रसूल, महिब्बान गौस, अकीदतमंदान गरीब नवाज, मेरा ताल्लुक बारगाह गरीब नवाज इंदल वली अताए रसूल से है, जो किसी शख्सियत या तारुफ के मोहताज नहीं है। बर्रे सगीर के अंदर गरीब नवाज ने अपना दीन फैलाया और इस मुल्क में जहाँ पर किसी ज़माने में बनारस कॉन्फ्रेंस के अंदर गोरों ने मसाजिदें तोड़ दी थी, उस वक़्त मेरे जद्दे आला और क़िबला जमात अली शाह साहब ने फरमाया था कि एक वक्त आगा ये गोरे हमें मसाजिदों की जगह देंगे। देख लें वो वक्त आ गया है, हमारी मसाजिदें और कितने खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत नातखा खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ होते हैं। मैं अपनी खानका की जानिब से इस चैनल के हवाले से सारे आलम इस्लाम के लोगों को, मशाइखों को, खानकाई लोगों को रबी अल शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और इस चैनल ने जो हुजूर के इस मिशन को इस चैनल के ज़रिए नातखानी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है, उनको अपनी खानका की दावत भी देता हूँ। और चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा इंटरव्यू लिया गया आस्थाना आलिया अजमेर शरीफ में भी चैनल के ज़रिए से हुजूर की मनफूजादात और हुजूर के आस्थाने का फ़ोटो लेके पूरी दुनिया में भेजें। अस्सलाम वालेकुम। आज कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में हुजूर की आमद के सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत महफिल का इनेकाद हुआ, जिसमें अजमेर शरीफ से हज़रत पीर सैयद बिलाल साहब चिश्ती तशरीफ़ लाए और ख़िताब फरमाया। उलमा इकराम ने, साहबज़ादा तैयब हज़ारवी साहब ने, मैं पाकिस्तान से मैं भी हाज़िर हुआ। मैं समझता हूँ कि बरतानिया के मुसलमानों में हुजूर की मोहब्बत का जज्बा जो है वो बहुत नुमाया है। जब भी मिलादुन्नबी के दिन आते हैं यहाँ बरतानिया के जवान, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे, ख्वातीन बड़े जज्बे के साथ हुजूर का जश्न विलादत मनाते हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारी हुजूर से मोहब्बत जो है ये हमारी निजात का ज़रिया है। अल्लाह पाक इनको और मोहब्बतों से नवाजे और अपनी रहमतों से नवाजे। जो रसूलुल्लाह के जश्न पे खुशी मनाते हैं वो उनको अल्लाह ताला कभी गमों का सामना नहीं करने देता। जी माशाल्लाह, आज कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में अजीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक सजाई गई है, जिसके मैं जो ज़ेर सदारत में माने खुसूसी सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब चिश्ती अजमेरी तशरीफ़ लाए, उनका खिताब था। उन्होंने भी बयान फरमाया और खुसूसी जो खिताब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा तैयब हज़ार मोहम्मद तैयब हज़ारवी साहब, खूबसूरत बयान फरमाया और जो महफिल को दोबाला फरमाया सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब ने। ये सादात किराम ने इस महफिल को कामयाब बनाया है और ये हमारी 19वीं सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल हुई है। तो अल्लाह करे ये महफिल हमेशा जारी रहे। बड़ी तादाद में हमारे दोस्तों ने शिरकत की है और हमारे लंगर बनाने वाले और बहुत सारे दोस्तों ने बड़ा तआवुन किया है। अल्लाह ताला हमारी महफिल को कबूल फरमाए। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह पाक की बेपनाह रहमतों और बरकतों के तुफैल साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें रबी लेवल का खूबसूरत महीना अता होता है, जो कि नबी पाक की पैदाइश के हवाले से है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में, यूरोप में, यूके में, हर जगह हुजूर के मिलाद की महफिलें सजाई जाती हैं, जिनसे हमारे बच्चों की तरबियत होती है और उन्हें पता लगता है कि नबी पाक की पैदाइश के महीने की फयूज और बरकात क्या क्या हैं, और ताकि वो आने वाली नस्ल में भी इसको ट्रांसफ़र किया जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में महफिलें हो रही हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में खूबसूरत सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ मनाया गया, जिसमें उलमाए कराम, सनाहान मुस्तफ़ा, बिलखसूस अजमेर शरीफ से सजादा नशीन पीर सैयद बिलाल चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए और एक कसीर तादाद
आशिकान रसूल भी तशरीफ़ लाए, ऐसी महफ़िलें हमें मुनक़द करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FCN न्यूज़ का बिलखसूस, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी कवरेज की इस महफ़िल को, अल्लाह ताला इनको भी मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी इस वक्त मैं कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर लॉन्ग साइड में हम लोग यहाँ पे आज, तो आज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी रूहानी जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में एक बहुत अच्छी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए नातखां हज़रात ने हिस्सा लिया और दीगर जो उलमा पाकिस्तान से आए थे उनकी उन्होंने तकरीर की और अपने तलावत कुरान पाक की गई और बड़ी रूहानी महफिल थी। और ये 19वीं सालाना जो महफिल है इस अदारे में मुनक़द की गई है, तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी लोगों ने शिरकत की और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी लोग आए थे और आखिर पे उनकी अच्छी खातर तवज्जो भी की गई, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। आज माशाल्लाह से कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में 19वीं सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी इनका इनेकाद हुआ और जिसमें बहुत जय्यद उलमाए कराम ने शिरकत की और बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले सना खान ने, मुस्तफ़ा ने गुलहाय अकीदत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पूरी दुनिया भर में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप बरतानिया पूरी दुनिया में जहाँ मिलाद का सिलसिला जारी है वहीं हमारे इस सेंटर में भी मिलाद हुआ और खूब लोगों ने इस महफिल से बरकतें समेटी। अल्लाह ताला सबको ऐसी महाफिल में आने की तौफीक अता फरमाए। आज कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर में जश्न ईद मिलादुल नबी के ऊपर बहुत अच्छी महफिल हुई है और इस महफिल से ये साबित हुआ है कि हमारे घरों में भी महफिलें हो रही हैं जश्न ईद मिलादुल नबी की। ये कादरिया जिलानिया अलामा निसार अहमद बेग साहब ने मिलाद शरीफ का जुलूस मेरे साथ निकालने का सबसे पहले 1987 में शर्फ हासिल किया था, वो वफात पा गए हैं, उनके लिए दुआ भी की गई है और ये कादरिया जिलानिया की ईद मिलादुन नबी का जश्न इतने पुरजोश तरीके से मनाया गया है कि दुनिया जहान से यहाँ पर उलमा इकराम आए हुए थे और नात खान पाकिस्तान से अल्ताफ़ हुसैन कादमी साहब भी आए हुए थे और पीर बिलाल हुसैन अजमेर शरीफ से वो भी तशरीफ़ फरमा थे और बहुत कामयाब मिलाद का प्रोग्राम रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ईद मिलादुन नबी का जो जश्न है बड़े शायान शान तरीके से नबी पाक को जो खराज तहसीन पेश किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। कादरिया जिलानिया और उसके तमाम वॉलंटियर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वक़ार साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इनकी क़यादत में इतना बड़ा अहतमाम किया गया कि बरतानिया भर से उलमा कराम आए और नात खान हज़रात कुर्रा हज़रात पाकिस्तान से भी और बरतानिया से भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके चार चांद लगाए। और एक बात मैं अहम करना चाहता हूँ, मदीना पाक से ये तस्वीर का तोहफ़ा जो है ये आज मौसूल हुआ है मुझे, तो इसके हकदार जनाब वक़ार साहब हैं, मैं इनकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल करें। आपको बहुत मुबारक हो, ये नबी पाक के दर से जो है आपकी खिदमत के सिले में अल्लाह ताला ने ये आज आपको ये इनाम समझे हम वक़ार साहब, ये इनाम की सूरत में, क्योंकि आपकी खिदमत जो दीन के लिए वो काबिल तारीफ़ है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमा को जश्न ईद मुबारक। जी वक़ार साहब। जी मोहतरम मलक अज़ीम साहब, आप हमेशा शफकत फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, आप बुज़ुर्ग होने का हक अदा करते हैं, अगरचे हम से आप की इज़्ज़त अफजाई में कोई कमी कोताही रह जाती है, लेकिन बुज़ुर्गों का काम है बड़ों को माफ़ करना, उन पर शफकत फरमाना, उनकी रहनुमाई फरमा, और आप हमेशा करते रहे हैं। मेरे किबला वालिद साहब की मौजूदगी में उनके होते हुए भी फरमाते से जी जी आप इकट्ठे उनसे रहे, आप हमारे लिए काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं और आपने मुझ जैसे नाचीज़ निकम्मे एक गुनाहगार को ऐसे याद फरमाया, ये इसका मैं इसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास ना अल्फाज हैं ना कोई अदा है, मैं कैसे करूं। आप मुस्तहिक हैं जी, ये इतना बड़ा अजीम तोहफा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती, लंबी ज़िंदगी, आपका साया हम पर दायम कायम फरमाए। और ये हमारे दाएँ बाएँ हजरात आप देखते हैं, इस दर उस्ताद सफ़दर साहब मौजूद हैं, इंतहाई मुआविन
और इदारे के साथ मोहब्बत ताल्लुक हर तरह से तआवुन करते हैं। और ये हमारे जो चौधरी नसीर साहिब वाली साहब हैं, जो सबसे पहले मिलाद शरीफ का जुलूस पूरे यूरोप में जब बरामद हुआ उस दौर में इन मुंतजिमा में से ये हैं कि जिन्होंने उसका इंतज़ाम किया। साहब का पहला जब हमने जश्न किया था फराजी साहब के यहाँ, उसमें भी ये शामिल थे। आज से 18 साल पहले ये कितनी कितनी बड़ी तारीखी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी जिनकी वजह से आज का हमारा जलसा कामयाब हुआ है। सैयद बिलाल शाह साहेब चिश्ती अजमेरी उनकी सदारत में, और फिर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह साहब काजमी मदज़िल्लाहु अलैहि, इन दो बड़े सादात की सदारत में, और ये अजीम शान जलसा हुआ और ख़िताब जो फरमाया सुबहान अल्लाह पाकिस्तान से हज़रत अल्लामा मोहम्मद तैयब हज़ारवी मदज़िल्लाहु अलैहि, बहुत खूबसूरत। जिनको मौका मिले वो ज़रूर ये फारूक़ साहब FCN न्यूज़ के चैनल पे ये प्रोग्राम देखें, और आपको हर एक ने जो यहाँ पर आज अपना हदिया पेश किया कमाल किया है। फराशवी साहब के लिए ज़रा दुआ। जी अल्लामा ज़फ़र महमूद फराशवी साहेब शदीद अलील हैं, मैंने जलसे में भी उनके लिए दुआ करवाई है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, सरपरस्त हैं जी, कारी अब्बास साहब भी अलील हैं, और इसके अलावा जितने भी जमी बीमारान उम्मत हैं। और आज खसूसी तौर पर आप सब से मैं गुजारिश करूँगा, हमारा अहम वॉलंटियर अशरफ वो आज दिन को वो कोलैप्स हो गया और बेहोश हो गया, फिर वो एम्बुलेंस आई उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर उसने दिन भर गुजारा है। तो बस ये समझ नहीं आई, उन्होंने बताया एवरीथिंग इज़ ओके, तो वो वापस भी आ गया है लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सब के लिए हम दुआ। महफिल मिलाद की जो रौनक तकरीब थी इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को हम पर राजी फरमा, या रब्बुल आलमीन की तवज्जो हमारे शामिल हाल फरमा, या रब्बुल आलमीन उनकी खुशी उनकी आमद के दिनों में हमने खुशी की है, हम सब के घरों में खुशियां नसीब फरमा, हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं उन्हें से तो सलामती लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और हम जो छोटे हैं हमें समझ अकल अता फरमा, हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम और इज़्ज़त कर सकें। और जिस जिसने आज दार में दिर में कदम है सुखने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद जितने यहाँ पर सनाखान रसूल आए, उलमाए के फाजे के और ईरान उलमाए के आबाद और हमारे मोहतरम साबिर साहब केक लेकर आए, तमाम सही जमदा इसके बदले तो जहाँ की जी ये हमारे जो साथी बुजुर्ग हैं, मैं तो छोटा हूँ, इनका ताल्लुक मेरे वालिद साहब से है, वो नस्बत उस वजह से ये उन पर शफकत फरमाते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसका सिला तो अल्लाह ही दे सकता है। हम इनके लिए जज़ाकुमुल्लाह صلى الله تعالى على محمد وآله।
اهدنا الرؤوف الرحيم.